काटाफोड़ नगर के मुख्य मार्ग पर बाधित 189 मकानों और दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बाधक हिस्से को बुलडोजर के माध्यम से जमींदोज कर दिया। प्रशासन द्वारा पूर्व में अनेकों बार नगर के मुख्य मार्गों पर बाधक हिस्सों को चिन्हित कर संबंधित को सूचना पत्र जारी किए गए थे, साथ ही प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी भी करा दी गई थी। गुरुवार सुबह से प्रशासन की टीम मुस्तैद दिखाई दी। प्रशासनिक कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों ने बाधक हिस्से में अपने सामान हटाते हुए स्वयं भी निर्माणाधीन हिस्से को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। प्रशासन द्वारा काटाफोड़ के नगर के मुख्य मार्ग के आवागमन को बंद कर जेसीबी मशीनों और पोकलेन मशीनों के माध्यम से कार्यवाही शुरू की। मुख्य मार्ग से बाधित स्थानों से 189 मकान और दुकान हटाई गई है, जिस पर 40 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा। कार्यवाही के दौरान SDM अभिषेक सिंह, बागली SDOP सतवास, तहसीलदार प्रियंका चौरसिया, नायब तहसीलदार संगीता महतो, नगर परिषद अधिकारी सतीश धावरी, थाना प्रभारी KS परस्ते के मार्गदर्शन में प्रशासनिक अमले के द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग की टीम मौजूद रही। सतवास संजय परसाई की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।